आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को दीवाना बना रखा है। मैच के नतीजों पर सट्टेबाजी की खबरें भी खूब आती हैं। इसी सट्टे से तगड़ी रकम कमाने के लालच में गुजरात के एक शख्स ने नकली आईपीएल ही करा डाली। रूस में बैठे लोग इस पर सट्टा भी लगा रहे थे। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी, टीम और एम्पायर तक नकली थे। यहाँ तक कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों की आवाज भी इंटरनेट से डाउनलोड की गई थी। YouTube पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी। सब कुछ इतनी सफाई से किया गया कि रूसी सट्टेबाजों ने इसे ही असली टूर्नामेंट मान लिया। नकली आईपीएल में टीमों के नाम, जर्सी, कमेंटेटर और खिलाड़ी असली टूर्नामेंट की तरह ही पेश किए गए थे। इस लीग में CSK, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस जैसी टीमें शामिल थी। ये टीमें 21 मजदूर युवाओं को लेकर बनाई गई थी। हर मजदूर को एक मैच खेलने के लिए 400 रुपए दिए जाते थे। नकली आईपीएल चलाने वाला गिरोह सोमवार को ही पकड़ाया है। इससे पहले वो क्वार्टर फाइनल तक के मैच करा चुके थे।